हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हिंदी का एक और टॉपिक, हिंदी निबंध का एक और टॉपिक, दैट इज़ आदर्श गांव। तो इसके पहले कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी निबंध का, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। पहली चीज़, वीडियो आपको हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, कम से कम 480, फिर भी अगर क्लियर नहीं दिखाई देता तो 720 पे। बार बार मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि बार बार बच्चे पूछते हैं कि मिस क्लियर नहीं दिख रहा है। पेजेस हैं तो पेजेस की आपको इतनी क्लियर नहीं दिखते, आपको हाई रेजोल्यूशन पर देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी। पहली चीज़ तो आपको रूपरेखा देखना है। रूपरेखा यानी क्या होता है कि आपको सोचना है कि ये जब जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है तो इस पर क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, किन किन पॉइंट्स पे आप लिख सकते हो। तो पहला तो भारत गांवों का देश है, प्रेम और भाईचारा, व्यसनों से मुक्ति यानी एडिक्शन, किसी को शराब का है, किसी का अलग अलग जो है व्यसन, शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर ध्यान, गाँव का परिसर उपसंहार यानी कंक्लूजन। भारत गांवों में बसता है, अगर हमें भारत की जो असली झलक है, असली जो संस्कृति है, वो गांव में ही देखने को मिलता है। शहर में तो अगर हम देखें तो शहर के जैसा ही होता है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो शहर की तरह ही होता है, ठीक है। इसलिए यदि आदर्श भारत की रचना करनी है तो सबसे पहले गाँवों को आदर्श बनाना होगा। आदर्श गाँव वह है जहाँ लोग व्यसनों से मुक्त हो, मेलजोल से रहते हों, लोग आपसी लड़ाई झगड़ों, दुश्मनी और मुकदमेबाजी से दूर हों, उनमें एकता और सहयोग की भावना हो, जो कि ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, कम हो रही हैं, कहीं कहीं पे तो नहीं ही है, ठीक है। इस प्रकार आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना से युक्त गांव ही आदर्श गांव कहलाता है। युक्त गांव यानी, युक्त यानी हम बोलते हैं कि जो जिसमें ये सारी चीज़ें हों, ठीक है, ये सारी आपसी प्रेम भाईचारा इन भावनाओं से भरी हो, ठीक है। ऐसा आदर्श गांव छोटा भले ही हो पर वहां स्वर्ग जैसा सुख होगा। बिल्कुल सही बात है। अब बुरी आदतें क्या क्या हैं, देखो, बुरी आदतें आदमी को बर्बाद कर डालती है, जैसे शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन, ऐसी ही बुरी आदतें हैं। इन व्यसनों में फंसे लोगों की सारी कमाई नशे में बर्बाद हो जाती है, लोगों की गरीबी बढ़ती जाती है, व्यसन के पीछे उनके घर द्वार तक बिक जाते हैं। जिस गांव के लोग मेहनती, श्रद्धालु और संतोषी हों, उन जिनकी दिलचस्पी धन के सदुपयोग में है, सदुपयोग यानी अच्छे से उपयोग करना, जहां के लोग व्यसनों से पूरी तरह मुक्त हो यानी उनमें कोई भी व्यसन ना हो, वही गांव आदर्श गांव कहा जा सकता है। आदर्श गांव उसे कहते हैं जहां के सभी लोग शिक्षित हों, शिक्षित होकर ही वे देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकते हैं। शिक्षित लोग ही ज्ञान विज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, शिक्षित किसान ही वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकता है। अब वैज्ञानिक ढंग से क्या, देखो पुराने टाइम में लोगों को जितनी नॉलेज होती थी वैसे ही उतना ही करते थे, ठीक है। अभी वैज्ञानिक ढंग से हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके से जो खेती में है कई सारे सुधार किए गए हैं, ठीक है। तो वो टीवी वगैरह देखते हैं, जो कृषि वाले चैनल हैं, कृषि वाले यानी चैनल हैं, जैसे कि है ना कृषि कुछ तो है, किसान के लिए बना है एक चैनल, मेट्रो कुछ तो है, मुझे याद नहीं, हाँ मेट्रो डीडी नेशनल पे भी आता है, अलग से कई सारे प्रोग्राम्स उस पे भी बताते हैं किसानों के लिए। इसीलिए आदर्श गांव में कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था, ठीक है, ताकि बच्चे कम से कम जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो तो कर लें। लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए गाँव में एक सार्वजनिक पुस्तकालय था, वाचनालय होना चाहिए, पुस्तकालय लाइब्रेरी वाचनालय, जहाँ पर जाकर वो पुस्तकें आराम से पढ़ सकें। इलाज की सुविधा के लिए गांव में कम से कम एक अच्छा दवाखाना होना चाहिए यानी हॉस्पिटल। गांव वालों को पीने के लिए शुद्ध जल सुलभ यानी कि अवेलेबल होना चाहिए। गांव में बिजली की समुचित यानी उचित व्यवस्था हो और जान माल की सुरक्षा के लिए, जान यानी इंसानों की जान, ठीक है, इंसानों को बोला गया है, जान यानी इंसानों, इंसान और माल यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बोलते हैं जान माल की कोई हानि नहीं हुई है बाढ़ में, ये सारी चीज़ें, जान माल की सुरक्षा के लिए एक पुलिस चौकी भी हो ताकि चोरी भी ना हो और लोगों की जान में कोई खतरा ना हो। गांव से कस्बे तक पक्की सड़क होनी चाहिए, गांव के अंदरूनी रास्ते भी पक्के होने चाहिए, जैसे गांव में गली गली है तो वहां पे भी रास्ते पक्के होने चाहिए। गांव के बाहर खेल का एक मैदान तथा गांव के आसपास हरे भरे बगीचे हों तो गांव की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, ठीक है, चार चांद ये मुहावरा है, आपको पता होगा, यानी सुंदरता को बढ़ा देना। जो गांव सुविधा संपन्न, सुखी, समृद्ध एवं प्रगतिशील हो वही आदर्श गांव। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप स्पीच देते हो
तब आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है कॉमा वगैरह ध्यान देने की। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो राइटिंग स्किल में आपको पता है कि पंक्चुएशन बहुत ही मायने रखता है। ये जहाँ कॉमा रहना चाहिए, जहाँ पे आपको हाइफन मार्क होना चाहिए, जैसे योजक चिन्ह होना चाहिए, कहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा होना चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही लिखा जाना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मराठी का हो। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान में देना। अभी चलिए हम देख लेते हैं इसको जूम इन करके। मैं बार बार आपको जूम इन करके नॉर्मल पे इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं हमें जूम इन करके बताओ, कुछ बोलते हैं कि हमें दिखाई देता है, अब जूम इन मत करो। तो किसी को किसी किसी तरीके से जम रहा है, किसी को किसी तरीके से जम रहा है, इसलिए मैं दोनों तरीके से ही आपको ये वीडियो शो कर देती हूँ पेजेस। ठीक है, जिसको जैसे जमे वो वैसे लिखे। किसी किसी को लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हो। आपके यूट्यूब में हर तरीके से हर एक सेटिंग है, आप उसमें जाके स्पीड स्लो कर सकते हो। जिनको लगता है कि बहुत जल्दी समझा दिया, मैंने जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दिया, हर तरीके की बच्चों के कॉमेंट्स आते हैं। अभी एक ही एक कॉमेंट्स आ जाए कि मैं सब बहुत जल्दी जल्दी, एथ स्टैंडर्ड की मराठी में कॉमेंट आया कि बहुत जल्दी जल्दी आप स्क्रॉल कर देते हो। तो अगर मैंने जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दिया तो आप स्पीड को स्लो कर दो। ठीक है, स्पीड स्लो करके देख लीजिए आप। यहाँ पे ये भी टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा देख लीजिए। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, कोई ऐड आए तो स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, ज़्यादा टाइम का नहीं होता है।